हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो टुडे वी विल सी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ दिस हार्ट, सेकेंड वन इज़ दिस लवर्स ऑन द बाइक। इनमें से जो भी पसंद है आप मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर वन। जिन्होंने भी ये प्यारा सा हार्ट चूज़ किया, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा फ्यूचर में जैसा मुझे नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपको ग्रीन कलर पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी भी, प्रेजेंटली एंड फ्यूचर में भी आपको पहनना चाहिए। लाइट मोव ग्रीन जो होता है वो आपको पहनना चाहिए, जिससे कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो सके एंड आप अवेकन हो सके। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एंड आप न्यू रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं जैसा मुझे दिख रहा है विद द प्रॉप। अदर देन दैट आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यूचर में क्या हुआ था आपके साथ। तो फ्यूचर में यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, मून है, सिक्स ऑफ कप्स हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो आप अपने सिचुएशन से देख लीजिएगा आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। विद द मून कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, यू नो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील होता होगा इस इंसान के साथ। बट समहाउ आपने इसमें बहुत मेहनत किया इस रिलेशनशिप में, बट ये सीक्रेट ही रह गया, इस इंसान ने उस पर एक्शन नहीं लिया जैसा मुझे दिख रहा है। इन द सेंस कि आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाया ये रिश्ता और आप अकेले रह गए जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको चीट कर दिया है, सीक्रेटिव रखा, शादी नहीं करी, आपको एक कमिटमेंट नहीं दिया, एक यू नो न्यू स्टार्ट नहीं दिया, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सीक्रेट ही रही। सीक्रेट रिश्ता हो सकता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल के साथ आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते में जैसा मुझे नज़र आ रहा है, इन द सेंस कि अपने सारे आठ पेंटिकल आपने इस रिलेशनशिप में लगा दी। हो सकता है वर्क के थ्रू मिले हो इनसे और केक आर्टिस्ट हो आप दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप किसी होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पे फूड का काम हो, फूड ब्लॉगर हो, ऐसे मिले हो। जो भी हो, इस इंसान से आपका रिलेशनशिप सीक्रेट ही रहा, धोखे में भी रखा गया है। अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको कुछ चीज़ें सीक्रेटिव रखी गई हैं, आपसे छुपाया गया है जैसा मुझे दिख रहा है। अब चलते हैं आपके प्रेजेंट की तरफ। तो प्रेजेंट आपका क्या कहता है? अब देखिए, प्रेजेंट में आपके कार्ड्स हैं थ्री ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स। लिब्रा, जिमना, एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी हैवी है एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इस रीडिंग पे सबसे ज़्यादा हैवी हैं गाइस। ओके, विद थ्री ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको कोल्ड में डाल दिया, आपका दिल तोड़ दिया एंड देन यू आर अलोन, यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस। आपके चेहरे पर हाथ रख के आप ऐसे खड़े रह गए, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, गोस्ट किया हो सकता है इस इंसान ने आपको। एंड प्रेजेंटली यू आर हार्ट ब्रोकन, आप बिल्कुल ही सिंगल हो तीन साल से जैसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग यहाँ पे। एंड आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे, तो आपका सेपरेशन चल रहा है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ एंड दिस पर्सन हैज़ चीटेड ऑन यू। यहाँ पे बारिश हो रही है तो आपको कोल्ड पे खड़ा कर दिया एंड आप यू नो आपके आप बहुत रोते हो इस इंसान को, रेमिनिस करते हो पुरानी बातों को याद करके। प्रेजेंट में ही चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो भी मेहनत करते हो उसका फ्रूशन नहीं हो पा रहा है, मतलब इन द सेंस कि आप कोई भी काम में हाथ डालते हो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें स्टक हैं, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, फास्ट पेस पे वो हो नहीं रहा, क्योंकि आपको जो सक्सेस मिलेगा वो बहुत लेट मिलेगा विद द नाइट ऑफ पेंटिकल जो मुझे नज़र आ रहा है। बट सक्सेसफुल आप हो गए आपके करियर में, तो आपका करियर भी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस पास्ट रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ दिस सीक्रेटिव रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है। उसके अलावा एस ऑफ सॉर्ड्स, आपने कोई नया काम शुरू किया है प्रेजेंटली एंड जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है और आप चाहते हो आपकी आवाज़ लोग सुने, जाने कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। वो नया काम किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस हो चाहे जॉब हो, कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हो आप, तो प्रेजेंटली ये चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, नया रिश्ता चाहते हो अपनी लाइफ में जो एकदम क्लियर कट आपकी तरफ आए, सच्चाई से चले, कोई झूठ ना हो, कोई सीक्रेसी ना हो वहाँ पे। तो आपका दिल तो टूटा है और कुछ लोगों का यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे एक स्वॉर्ड है
तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में भी रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप दूसरे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हो, अपने दोस्तों से बात नहीं करते, किसी से भी बात नहीं करते, तो वो सारी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। एक न्यू बिगिनिंग आपको लेना पड़ेगा प्रेजेंट में, तभी ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं जैसा दिख रहा है। तो फ्यूचर क्या कहता है आपका? द स्टार, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन। पाइसिस और एक्वेरियस भी आपका सनसाइन हो सकता है हैवी जो नज़र आ रहा है। मेजर अरकाना तो यही है यहाँ पे इस पाइल पे। यहाँ पे जो है आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है गाइस, वेरी ब्राइट फ्यूचर विद द स्टार कार्ड। आप स्टार की तरह इमर्ज करोगे, जो अभी ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो निकल जाएगी एंड आप स्टार की जगह बैठोगे। काफ़ी लोग आपको लुक अप टू करेंगे, जो भी नया काम आपने शुरू किया है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड लोग उसको सुनेंगे। अगर आप हीलर बनने वाले हो तो हीलर भी, आपकी चैनल्स, आपका जो इंफॉर्मेशन है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा विद द स्टार कार्ड। यू विल बी लाइक अ होप टू अदर पीपल, आप दूसरों की होप बनोगे जिनका दिल टूट गया है। आप काउंसलर भी बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है आपकी, कोर्ट में या फिर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आपको लोगों को हील करना पड़ता हो, ऐसा काम हो सकता है। या फिर आप कोई पेजेंट जीतने वाले हो, या आप कोई फैशन ब्लॉगर हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, तो वो सारी चीज़ों में आप स्टार बन के निकल सकते हो एंड पीपल विल लुक अप टू यू। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ने भी वाले हैं फ्यूचर में जैसा दिख रहा है, जिनके चैनल्स रुके हुए हैं, कोई वायरल नहीं है वीडियो, उनके वीडियोस वायरल हो सकते हैं एंड रातों रात आप स्टार बन सकते हो। दैट्स व्हाट फ्यूचर प्रेडिक्शन वही कहता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ये पास्ट की एनर्जी से निकलना पड़ेगा, वो आपको आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग चलेगी, रातों को आपको नींद नहीं आ सकती, ऐसे भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं फ्यूचर पे, तो उस पर आपको वर्क करना है, उस पर आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपना चक्रा मेडिटेशंस करना है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, जिससे कि आप ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स की जो नींद की प्रॉब्लम है वो आपकी हट सकती है। आपको जो रात में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकर हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है आपको, उस सब से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। या पास्ट की एनर्जी जो आपको आपके काम से रिलेटेड टेंशन है वहाँ से भी निकलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। विद द हैंग मैन आप लोगों के लिए सैक्रिफाइस करोगे, लोगों को सैक्रिफाइस करना सिखाओगे। अदर देन दैट मुझे ऐसा दिख रहा है विद द हैंग मैन आपका नया पर्सपेक्टिव होगा सोचने का, जो पुराना पर्सपेक्टिव है उन सबको हटा के एक नए तरीके से आप चीज़ें सोचोगे और नए आइडियाज़ लेके आओगे अपने बिजनेस में, अपने काम में, जिससे कि आप स्टार बन सकें एंड आपकी अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग दोनों साथ बसाथ चलेगी। आपको रात को नींद नहीं आएगी, सुबह 3 to 5 AM आपकी आँखें खुल सकती हैं, ये सारी चीज़ें होगी। योगा आप बहुत ज़्यादा करने लगोगे, योगी बन सकते हो, योगा टीचर बन सकते हो आने वाले वक्त में विद द हैंग्ड मैन एंड काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। उसके अलावा आगे चलते हैं आपके ओरेकल की तरफ। तो फर्स्ट कार्ड है मैसेंजर, सेकेंड कार्ड है फॉर्च्यून, थर्ड कार्ड है कॉन्वर्सेशंस। अब देखिए मैसेंजर के साथ, इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, किसी लेटर का वेट कर रहे हो, किसी एग्जाम का वेट कर रहे हो जिसका रिजल्ट आना, तो आप जा सकते हो आउट ऑफ द कंट्री, लेटर आएगा आपका, आप पास हो गए हो। अगर आपका पीआर का काम अटका हुआ था कि भाई आपका परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया है, वो आपको मिल सकता है जैसा मुझे दिख रहा है विद द मैसेंजर कार्ड। एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, आपके लव लाइफ की तरफ आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल शुरू हो सकते हैं किसी के साथ विद द मैसेंजर कार्ड। अदर देन दैट फॉर्च्यून, आपके करियर में काफ़ी पैसा और काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट होने वाले हो अंधाधुंध, क्योंकि इस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और उसके हाथ में एक वो बजाने वाला है एंड उसमें से बहुत सारा पैसा निकल रहा है। हो सकता है आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में ट्राई कर रहे हो और आपका एकदम वीडियो वायरल हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है, एंड बहुत पैसा और बहुत फॉर्चुनेट होने वाले हो आप एंड यू विल बी सक्सेसफुल, काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं कुछ लोग विद द स्टार कार्ड। कॉन्वर्जेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्लाइंट बेस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आपका क्लाइंट बेस कम है किसी बिजनेस में आपने अभी स्टार्ट किया है, तो वो क्लाइंट बेस बढ़ जाएगा, कॉन्वर्जेशन ज़्यादा होने लगेगी। फैमिली के साथ अगर चीज़ें अटकी हुई थी, बातें बन नहीं रही थी, आपके मदर स्पेशली, उनके साथ भी आपके कॉन्वर्जेशंस अच्छे हो जाएंगे, यू विल बी लाइक फ्रेंड्स। अदर देन दैट आपके फैमिली ग्रुप में भी आप बैठ के काफ़ी बातें करोगे एंड एवरीथिंग विल बी गो विद द फ्लो। आप कहाँ शिफ्ट हो सकते हो फ्यूचर में? ग्रैंड मदर अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
ऐसी जगह में शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे पिंक टाइप का आसमान हो, या फिर पहाड़ बहुत ज़्यादा हो, या फिर ग्रीनरी एरिया ज़्यादा हो। फ्लावर्स के साथ भी कुछ लोग काम कर सकते हैं, तो ग्रीनरी एरिया में बहुत ज़्यादा आना जाना आपका रहेगा, वेकेशंस आप बहुत ज़्यादा करोगे। अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो किसी ग्रीनरी एरिया में फ्यूचर में आप शिफ्ट हो गए और वहीं रहोगे, अगर आप मैरिज का देख रहे हो। नेक्स्ट है आपका हियर एंड नाउ, फ्यूचर में आप हमेशा, आपकी एज 32 हो चुकी होगी अभी कुछ लोगों की 32 एज में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप प्रेजेंट में जियोगे, ये जो लड़की है ये प्रेजेंट में जी रही है, आप देख सकते हो उसने अपना झंडा लहरा दिया है और वो उस एग के उस घर के ऊपर बैठी हुई है, और यहाँ पे पास्ट था, उसने पास्ट को छोड़ दिया और यहाँ पे फ्यूचर है, आप देख सकते हो। आई गेस यू कैन सी, कैमरा इज़ नॉट डूइंग एनी जस्टिस, बट ठीक है, पास्ट से आप निकल के फ्यूचर की तरफ न्यू डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यू आर हियर यहाँ पे लिखा हुआ है इस झंडे पे, तो आप प्रेजेंट में जियोगे मुझे ऐसा दिख रहा है। फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग अपना खुद का घर खरीद सकते हो, एक पैलेस खरीद सकते हो, कैसल बना सकते हो, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदने वाले हैं बहुत सारे लोग, तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ द कंट्री भी कुछ लोग जा सकते हैं, चर्च से जुड़ सकते हैं, पास्टर बन सकते हैं, नन बन सकते हैं, जो लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको पसंद है ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में। एंड कुछ लोगों का मंदिर से जुड़ाव हो सकता है, गुरुद्वारे से काफ़ी जुड़ाव हो सकता है, वहाँ पे आप काफ़ी सेवा करें जैसा दिख रहा है यहाँ पे, गिरजाघर में जाएं, वहाँ पे हेल्प करें, काफ़ी लोगों की मदद करें, बच्चों की जो लोग का प्रॉब्लम रहता है, दिमागी प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्प करें, या फिर मंदिर की साइड से आप काफ़ी ऑफरिंग्स करें जिससे कि काफ़ी लोगों की मदद हो जाए, जैसा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अदर देन दैट आपका एंजलिक, आपका जो एंजल गाइडेंस है वो है गार्डन एंजल, आपके गार्डन एंजल आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डेली अपने गार्डन एंजल को प्रेयर करना है, जैसे ये लड़की यहाँ पे प्रेयर कर रही है, ऐसे आपको प्रे करना है डेली, गार्डन एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे जिस प्रॉब्लम से आप राइट नाउ गुजर रहे हो गाइस, ओके। उसके अलावा आपके पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। काम, आपको काम रहना है, गुस्सा नहीं होना है। लर्निंग न्यू हॉबी, आपको एक नया हॉबी कोई भी आपको पसंद हो, गेम्स हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो एक हॉबी आपको शुरू करनी है। आप जर्नलाइजिंग कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो, डायरी राइटिंग कर सकते हो, डिक्शनरी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हो या आपको भी पता है गाइस, ठीक है, पाइल नंबर वन, दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग, तो आप उन सब चीज़ों पे काम करिए प्लीज़, ठीक है। अ गुड जॉब, आपको एक गुड जॉब मिलने वाली है, अगर आपके पास जॉब नहीं थी वो जॉब आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर में। वॉचिंग योर सोशल मीडिया, कोई एक इंसान से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो जो आपको एक न्यू बिगिनिंग दे सकता है, जैसा मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल, फेस टाइम, आपका उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन, फेस टाइम, फ़ोन कॉल सब चलेगा, ठीक है, यू विल बी वेरी हैप्पी। कार्मिक रिलेशनशिप से आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, कुछ लोगों के ये कार्मिक भी हो सकते हैं, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। फ्लर्ट, ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्ट करेगा आपके साथ तो उसमें आपको डरना नहीं है। थर्ड पार्टी ट्राइंगल अगर रिलेशनशिप में है वहाँ से आप निकलोगे मुझे ऐसा लग रहा है। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, कुछ लोगों के एंडिंग्स होने वाले हैं, कुछ लोगों के न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, कुछ लोगों के पास्ट के लोग वापस आने वाले हैं, ट्राइंगल थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आने वाले हैं। 11 11 11 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो इस इंसान के साथ। डेटिंग, आपकी डेटिंग चलेगी आने वाले वक्त में, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सेक्स, यहाँ पे आपका सेक्शुअल रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, अगर आप बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं, कोई किसी के साथ मूव इन हो सकते हैं, आपका सेक्शुअल रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे फर्टाइल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग की प्रेगनेंसी भी आ सकती है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ ऐसा बताम सब ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मैंशनड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर टू। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर टू। जिन्होंने भी प्यारा सा लवर्स इन अ बाइसिकल चूज़ किया है, आप किसी के साथ, आपका कोई बाइकर फ्रेंड बनने वाला है, कोई ब्लॉगर फ्रेंड बनने वाला है, या फिर
किसी के साथ आप साइकिल चलाओगे, अपने किसी खास फ्रेंड के साथ फ्यूचर में लव आपकी तरफ आने वाला है जैसा दिख रहा है। आप काफ़ी लविंग एनर्जी हैं पाइल नंबर टू मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपको कोई लव मिलता नहीं है ट्रू लव, सो आप वेट कर रहे हो उसका, तो वेट कीजिए आएगा सब कुछ। आपका पास्ट देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका हर्मिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आए हो, पांच छह रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपकी लड़ाई हो जाती है, लोग आपसे कॉम्पीट करते हैं, लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, फिर आपको गोस्ट कर देते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अबांडेंट हो, बहुत ज़्यादा आगे हो लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। हर जिस चीज़ को छू लो वो सोना है, समथिंग लाइक दैट। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो रिलेशनशिप चले नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने आपसे कॉम्पिटिशन किया हो, आपको हराने की कोशिश करी हो, आपसे लड़ाई लड़ी हो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप हमेशा गिविंग रहे हो, आप लोगों को देते हो, यू जस्ट यू आर नॉट अ टेक 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 टेकर, यू आर अ गिवर। ओके, आप लोगों को मदद बहुत ज़्यादा करे बट आपको किसी ने मदद नहीं किया, जब आपकी बारी आई तो सब ने आपको अंधेरे में रखा और आप वो लाइट टॉर्च लेके ढूंढते रहते हो, कोई एक अच्छा दोस्त मिल जाए, कोई एक अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसा वाइब है कि सारे दोस्तों ने मिलके आपको धोखा दे दिया, आपकी फैमिली ने दे दिया, आपके पार्टनर ने दे दिया, आपके बच्चों ने दे दिया, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स है और हर्मिट भी है। हर्मिट एक विरगो को जताता है, तो विरगो एरिस लियो सैज यहाँ पे काफ़ी हैवी है, एंड टॉरस विरगो कैप्रिकॉर्न एंड एरिस लियो सैज सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस, ठीक है, ये आपके सन साइंस हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स आपके चले नहीं, चीज़ें आपकी ठीक से बैठी नहीं, एंड यू वेर ऑलवेज लेफ्ट अलोन इन द कोल्ड, आप हमेशा अपनी लाइट ढूंढते रहे, आपकी साथ ब साथ अवेकनिंग भी होती रही। इन लोगों के आने से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी, किसी ने आपकी जॉब छीनी हो सकती, किसी ने आपका लव छीना हो सकता है, किसी ने आपको चीट किया हो सकता है, आपको अंधेरे में रखा हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है, झूठ बोल के शादी कराई हो सकती है। सो उन सब चीज़ों में भी यू वेयर अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग चल रही थी, आपके साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रहे थे, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लेवॉयंट क्ले ऑडियंट हो सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। आप लोग एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, एस्ट्रोनॉमी में हो सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। ये सब हाथ देखना, ये सब काम आपका हो सकता है, पाम रीडिंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वैसे तो बाइबल में बोला गया है कि पाम रीडिंग इज़ नॉट गुड, ओके, यू शुड नॉट लुक आउट फॉर फ्यूचर आंसर्स, बट डेफिनेटली हम इंसान हैं, 3D में रहते हैं, तो हमारा मन करता है कि ये सारी चीज़ें जानने का कि क्या होने वाला है, बट इट्स ओके, आपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं यहाँ पे विद द हर्मिट कार्ड जैसा दिख रहा है। आपका जो प्रेजेंट है उसके कार्ड्स देख लेते हैं। प्रेजेंट में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन थोड़ी सी सही लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़कियों ने और लड़कों ने यहाँ पे अपने ऊपर काम किया है, दे हैव वर्कड ऑन देम सेल्फ। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आपने वो क्राउन पहन लिया है, आपने उस पर काम किया है, अपने कॉइन्स पे आपने बेसिकली काम किया, अगर आप टॉरस फिरो कैप्रिकॉर्न है हैवीली, आपने उस पर पूरा पूरा काम किया है, ठीक है। अपने सेक्शुअल साइड को यहाँ पे एक छोटा सा बनी है, सेक्सुअल साइड को छोड़ के लोगों से रिलेशनशिप में ना आके आपने अपने कॉइन्स पे काम किया और आप उस पर सक्सेसफुल हो गए। बहुत सारे लोग अभी सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होंगे, बहुत सारे प्रमोशंस आप कर रहे होंगे यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम पे, तो ये गिफ्ट्स आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारा अप्रिसिएशन भी आपको मिलने वाला है। आप बहुत गिविंग इंसान है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप हमेशा अपना वॉन्ट दूसरों को, यू आर अ गिवर, एंड वापसी में आपको कुछ नहीं मिलता। वापसी में जब आप ढूंढने की कोशिश करते हो आपको सिर्फ अंधेरा मिलता है, लाइट एक छोटी सी आपकी खुद की लाइट है, वो आपके अंदर की लाइट, वही आपको मिलती है। एंड विद द पेज ऑफ कप्स एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है। जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंट नहीं हो पाए अपने पास्ट पार्टनर के साथ, वो एक न्यू पार्टनर के साथ शादी करके सेटल होने वाले हैं, उनका प्रेगनेंसी भी आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो प्रेजेंट में, या कर रहे हो राइट नाउ, आप बीचेस पे घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं से बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया है। जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था तो मेरे पास वो मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा हो गया था, तो आप मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे हो राइट नाउ और ये सारी चीज़ें आपकी तरफ प्रेजेंट में हो रही हैं। अगर नहीं हुई हैं तो ये होने वाली हैं जैसा मुझे दिख रहा है, बाकी फ्यूचर में तो हम देखेंगे फ्यूचर में आपका प्रॉपर तरीके से क्या होने वाला है।
सो एक नए रिश्ते में भी आप आ सकते हो। मैरिज भी आपका यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। आप काफ़ी जेनरस इंसान हो, लोगों की मदद करते हुए भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो कि काफ़ी लोग जो गरीब लोग हैं उनकी आप मदद करोगे एंड सक्सेसफुल भी होगे। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ प्रेजेंटली आप कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो ये रीडिंग ऐसे ही देख रहे हैं टाइम पास के लिए। ओके चलो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या लिखा है। देखिए फ्यूचर में ये है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहने वाले हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा रिलेशनशिप आने वाला है जिसके लिए दो रिलेशनशिप्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जिसमें आप कंफ्यूज रह सकते हो टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आपको समझ नहीं आएगा किसको चूज़ करना है और आप दोनों को ही एंटर करने नहीं दे रहे हो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अपनी लाइफ में, तो वो नहीं करना है आपको। आपको उस इंसान से बात करना है, समझना है एंड देन उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना है। विद द सेवन ऑफ कप्स आपके पास बहुत सारे शादी के रिश्ते, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए नए आइडियाज़ आपकी तरफ आने वाले हैं विद द सेवन ऑफ कप्स। आप कंफ्यूज रहोगे थोड़े से, ओके, डे ड्रीमर भी हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स बनाते हो कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट वो होता नहीं है। बट फ्यूचर में आपको डिसीजंस बनाने पड़ेंगे एंड उसके जो भी आपका कार्मिक रिलेशनशिप है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, अपने गार्ड्स को डाउन करना है। अगर रिश्ते आ रहे हैं तो उनसे बात करें, उनसे अंडरस्टैंड करें कि कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आए। फ्यूचर आपका ब्राइट है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी चीज़ों में आप काम करने वाले हो विद द सेवन ऑफ कप्स। इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑनलाइन काम कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, कैंडल मेकिंग कर सकते हो, डांस करना चाहते हो वो कर सकते हो, टिकटॉक बनाना चाहते हो वो कर सकते हो, जो भी आपका मन है। बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट्स भी करोगे आगे जाने के टाइम में, आपके पास बतेरों काम होंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप तो है ही, यहाँ पे एक डायमंड है तो कोई आपको डायमंड रिंग भी देने वाला है फ्यूचर में, जिसके साथ आप खुल जाओगे, आपके गार्ड्स डाउन हो जाएंगे और कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। वो रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आएगा। देखिए लव आपकी ही रीडिंग में पाइल नंबर टू, यू आर वेरी लक्की, सी आपके में लव आने वाला है, क्यूपिड हिट कर देगा उस इंसान को, आपको दोनों को लव हो जाएगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी। जिन लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। जो लोग विडो हैं उनकी लाइफ में भी न्यू लव आने वाला है जैसा दिख रहा है। मर्चेंट, ये इंसान कोई बहुत बड़ा मर्चेंट हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री से आए, मुस्लिम भी हो सकता है, ये अरबिक हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, आप अरेबियन को डेट कर रहे हो, ठीक है। विद अ मर्चेंट कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आउट ऑफ द कंट्री से आएंगे, आपसे मिलने ट्रैवल करेंगे, शादी का रिश्ता आ सकता है, ऑनलाइन आप मिल सकते हो उस इंसान से एंड आप दोनों डेट करें, फिर उसके बाद आपकी मैरिज हो, यहाँ पे ये दिख रहा है। ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये अपने ऑफिस में आपको कोई काम वाम दे सकता है, जॉब दे सकता है विद द सर्वेंट कार्ड, और आप वहाँ पे काम कर सकते हो। सकता है ये होटल इंडस्ट्री से हो, इसका होटल हो, खुद का होटल चेन में हो, होटल बिजनेस चेन्स होते हैं उसमें हो, ये इसने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हो, इसका शेयर हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको ये जॉब मिल सकती है आउट ऑफ द कंट्री। अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है एंड कैनेडा अगर जाना चाहते हो आप वहाँ पे भी जा सकते हो विद द सर्वेंट कार्ड। यहाँ पे सर्वेंट है तो यू विल सर्व समथिंग टू अदर पीपल, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब कौन सी जगह पर आप शिफ्ट हो गए फ्यूचर में, वो है फ्लोइंग रिवर। अब फ्लोइंग रिवर क्या बताता है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ हो, अब वो आउट ऑफ द कंट्री भी है, इंडिया में भी है, तो फॉरेन भी जा सकते हो आप फ्लोइंग रिवर। आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ भी जुड़ने वाले हो, तो आप चाहो तो पाइल नंबर वन भी देख सकते हो, वहाँ पे भी नेचर ही था, तो आप नेचर के साथ जुड़ोगे। कुछ लोग व्लॉगर्स भी बन सकते हो, आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हो, या आप योगिक कुछ सिखाना चाहते हो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो योगा सिखा सकते हो, योगीज बन सकते हो बहुत सारे लोग एंड फ्लोइंग रिवर है यहाँ पे, तो कुछ रिवर से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, वृंदावन से रिलेटेड, भगवान जी से रिलेटेड अलग अलग कंट्रीज जाना, ट्रैवल करना, लोगों को दिखाना उसके कल्चर के बारे में, खाने के बारे में, फूड व्लॉगर भी बन सकते हैं विद द सर्वेंट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर में आपका रीजनरेशन होगा। 46 आपकी एज हो सकती है कुछ लोगों की, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं,
ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है गाइस, ठीक है। आपको लोगों ने आग में इस पेड़ को लावा में खड़ा किया गया है एंड फिर भी इसमें से पत्ते निकल रहे हैं, कैन यू सी दैट। सो आप एक रीडर हो सकते हो, आपने अपना पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी ने आपको कोर्ट केसेस में फंसाया हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए बहुत ही आपने आग में खड़ा होने के बावजूद भी आप उसमें से निकल रहे हो, न्यू पत्ते आप में खिल रहे हैं, तो आप एक न्यू इंसान बनने वाले हो ऑल टुगेदर, आपकी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है। अवेकनिंग किसी ने पूछा था दो बार होती है क्या, नहीं, अवेकनिंग सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद आप पूरी तरह अवेकन हो जाते हो विद द रीजनरेशन कार्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग, आप बिल्डिंग्स के साथ काम कर सकते हो, बिल्डिंग में आप जॉब करना चाहते हो आउट ऑफ द कंट्री वो भी कर सकते हो, बिल्डिंग आप खुद का एक बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हो वो भी कर पाओगे आने वाले टाइम में, बिल्डिंग अगर आप रेंट पे देना चाहते हो, आपके पास पैसे हैं अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो या इन्वेस्टमेंट्स करके किसी को रेंट पे देना चाहते हो वो भी हो जाएगा आपका। अपना खुद का घर आप खरीद सकते हो आने वाले वक्त में, आपका पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा जैसा दिख रहा है। अपना खुद का ऑफिस भी आप लोग बना सकते हो, कुछ लोग फैक्ट्री के साथ काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो वो भी होगा, आप फैक्ट्री में काम कर सकते हो। आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होगा, बहुत बिजी रहोगे आप आने वाले वक्त में, ठीक है। एंड कुछ लोग अपना बेसमेंट में ऑफिस और ऊपर घर ऐसे करने वाले हो, देख लीजिएगा आपसे जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा। आपके जो ड्रीम डोर्स हैं वो खुलने वाले हैं एंड आपका एक सोशल स्टेटस बनेगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया उसको जानेगी और आपकी वाहवाही करेगी, समथिंग लाइक दैट। आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में भी। हीलिंग एनर्जी, देखिए आपका एंजल कार्ड कह रहा है कि आप हील करोगे पूरी तरह, वो तो आपके रीजनरेशन कार्ड से दिख ही गया था और आपके ये वाले फाइव ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स से दिख ही गया था आपकी हीलिंग एनर्जी, आप हीलर भी बन सकते हो बहुत सारे लोग। आपके चारों ओर एक ग्रीन ऑरा है, येलो भी है, यहाँ पे येलो एंड ग्रीन आपको पहनना है। हीलिंग का मतलब ज़रूरी नहीं कि भाई आप हीलिंग इंडस्ट्री में ही आए, आप लोगों की हीलिंग ऐसे, आपकी खुद की हीलिंग ऐसे भी हो सकती है, आप काफ़ी लोगों की मदद करें तो आपकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। अब आपकी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ओके गाइस, बैलेंस, अगर बैलेंस आपका लाइफ में बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपकी बैलेंस, जब आपकी इंद्रियां बैलेंस होंगी तभी तो आप लाइफ में कुछ बन पाओगे, सोच पाओगे या फिर एक सही राइट डिसीजंस ले पाओगे। कंप्लीशन एंड, तो पुराने एंडिंग्स होने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। अ गुड रिलेशनशिप, बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप आपकी तरफ आने वाला है जो आपको बहुत खुश कर देगा। किड्स, यू आर वेरी वेरी लक्की। पाइल नंबर टू, देखिए जिनका बच्चा नहीं हो रहा था उनके बच्चे होने वाले हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग अनमैरिड हैं, डिवोर्सीज हैं, उनका बच्चा नहीं हुआ आज तक तो किड्स आएंगे, कुछ लोगों के ट्विंस हो सकते हैं, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। और एक गुड, अच्छा रिश्ता, एक हेल्दी रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है। हेल्थ, आपका जो हेल्थ अब तक ख़राब था, अगर आपको कोई स्टोन की प्रॉब्लम थी, अगर आपको आस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, वो इस बंदे के आने पे ठीक हो जाएगा। ये खुद एक हीलर हो सकता है, आप हीलर हो सकते हो। फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिलेगा आपकी लाइफ में, फ्यूचर में आप फ्री होके घूम सकते हो, कोई आपको रोका टोकी मारा पीटी कुछ भी नहीं करेगा। अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में ऐसे आप हट जाओगे जैसा मुझे दिख रहा है। डिवोर्स, कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स अटका हुआ था, उनके डिवोर्स हो जाएंगे एंड आप फ्री कर लोगे अपने आप को इन सब न्यूसेंस से एंड देन यू विल गेट योर डिवोर्स। और जो लोग चाहते हैं उनका डिवोर्स हो जाए, बहुत टाइम से अटका हुआ, 10 साल 9 साल, उनका भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका हेल्थ, देखिए दो बार हेल्थ आया तो आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट किया है, रिलेशनशिप हो चाहे आपका करियर हो, करियर भी आपका बहुत अच्छा है, तो आपका गुड हेल्थ आने वाला है। आप अच्छे डॉक्टर से भी मिलने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, न्यू डॉक्टर से जो आपको एक नए तरीके से, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने वाले हो जो आपको सही तरीका दिखा सके खाने पीने का, जिससे कि आपका हेल्थ ठीक रहे। टेक एन ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ऑनलाइन क्लास आपको लेना चाहिए कोई भी, जैसे कि कोई फ्रेंच क्लास सीखना चाहते हो, कनाडा में लोग बहुत सीखते हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लास को ही ले सकते हो छोटा मोटा, जिससे कि आपको आपका जो ब्रशअप हो जाए थोड़ा, जो आपका ब्लॉक है दिमाग 24 घंटे एक ही चीज़ पर रिलेशनशिप में अटका रहता है या करियर में अटका रहता है, तो उससे आपको थोड़ा सा ईजी गोइंग बनेंगे आप, और एक ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो। लाइट हाउस, एनलाइटन, आप एनलाइटन हो जाओगे फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है वो तो आपके कार्ड्स में था ही जैसा मुझे दिख रहा है।
एंड कुछ लोग यहाँ पे लाइट हाउस देखने जाओगे अगर आपका मन है तो, आपका कोई ऐसा यू नो फ्यूचर प्लान है, आप लाइट हाउस देखना चाहते हो ऊपर से, तो जा सकते हो आप। अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग चलेगी, मैंने बता ही दिया था आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होगी फ्यूचर में। मेडिटेट, आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है फ्यूचर में भी, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी हेल्थ और बच्चे, हैप्पी रिलेशनशिप, सब कुछ आने वाला है। लव मैरिज, यू आर सो सो लकी, कैन यू सी दैट लव मैरिज। जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, जो फेल हो चुके हैं, उनकी लव मैरिज होने वाली है। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लव मैरिज होने वाली है। पास्ट रिलेशनशिप्स हटने वाले हैं एंड आपकी लव मैरिज होने वाली है। कुछ लोगों के पास्ट रिलेशनशिप आएंगे और आपको लव मैरिज ऑफर करेंगे वो। ओके, दैट इज़ ओनली फॉर 5% पीपल, नॉट फॉर एवरी वन। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज सेट्स अप अ थम्स अप ऑन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली यू कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।